स्पेशल मुद्दा सी दिल्ली का, जो दिल्ली चलो प्रोग्राम है, मैं इंट्रोड्यूस करवाना चाहता थानू। कमेटी मैंबर जगजीत सिंह जी दल्लेवाल, जो साडे पंजाब दे आगू ने, डीके यू सिद्धूपुर दे प्रधान ने, गुरनाम सिंह जी चनूनी भारतीय किसान यूनियन हरियाणा, बलबीर सिंह जी राजेवाल भारतीय किसान यूनियन पंजाब राजेवाल के प्रेजिडेंट ने, और ये जो ऑल इंडिया की कमेटी के मैंबर ने सारे, शिव कुमार शर्मा कक्का जी मध्य प्रदेश तो, ऑल इंडिया किसान महासंघ के प्रधान ने, योगिंदर यादव जी, ये साडे ऑल इंडिया किसान कोआर्डीनेशन कमेटी, जो ऑल इंडिया किसान संघर्ष तालमेल कमेटी वो वर्किंग ग्रुप मैंबर ने, हनन मौला जी, ये वैसट बंगाल तो वैसे ऑल इंडिया किसान सभा के जनरल सैक्रटरी ने, हनन मौला ऑल इंडिया किसान सभा जनरल सैक्रटरी, दास दर्शनपाल पंजाब का क्रांतिकारी किसान यूनियन का प्रधान, मैं प्रोक्सी हाँ। विजय मोहन सिंह वी एम सिंह जी ने वैसे वह करोना नाल बीमार ने, उन्होंने जगह पर मैं इस कमेटी के अरेजमेंट करने वो मैं हनन मौला जी भी, राजू शेट्टी जो महाराष्ट्र के आगू ने, वह भी करोना नाल बीमार ने, हनन मौला जी तो मैं असी दोनों ने उन्होंने जगह, मैं वी एम सिंह की जगह, राजू शेट्टी जगह। सो बलबीर सिंह राजेवाल जी तो असी अज की जी प्रेस कॉन्फ्रेंस है, यह यानी संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली के प्रोग्राम नहीं, दो कानून के विरोध के बनया, उन्हें वालों अज बलबीर सिंह राजेवाल जी तो असं प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करते हैं। किसान जथेबंदियों की नुमाइंदगी करने वाली है एक सब मैंबरी कमेटी की मीटिंग, जिहड़ा दिल्ली चलो प्रोग्राम किसान ने 26-27 का उलीकिया देश पत्र का वो सारी रूपरेखा तय करने लई मीटिंग हुई। मीटिंग असी तय किया कि किसान सारे दिल्ली जाणगे, जे सरकार किसी तरह रोकती है तो फिर असी उत्थे बैठ जावांगे, पर अंदोलन जिहड़ा पूर्ण शांतमय होएगा। उहदे लई ड्यूटियां लाइया गई, मैं योगिंदर यादव जी को बेनती करा अगे वो दस दिन कि दोस्तों, जब प्रधानमंत्री ने इस देश के किसानों पे बिना मांगे, बिना पूछे, बिना राय बात के 3 कानून ला दिए, तो उन्होंने कहा था ये ऐतिहासिक सौगात है किसानों के लिए। अब वो ऐतिहासिक है नहीं है, इसका फैसला तो इतिहास करेगा, लेकिन उसके जवाब में इस देश के किसानों ने ऐतिहासिक काम कर दिया। आज आपके सामने जो 7 मेंबरी कमेटी है, मैं समझता हूं वैसे मेरे से बहुत वरिष्ठ लोग हैं, आप मुझसे बहुत ज्यादा जानते हैं, लेकिन आज तक देश के इतिहास में कम से कम पिछले 40-50 साल में किसानों की इतनी बड़ी यूनिटी कभी नहीं बनी। 500 से ज्यादा किसान संगठन एक साथ आए हैं, ऑल इंडिया किसान संघर्ष कोऑर्डिनेशन कमेटी के नाम से कई संगठन 4 साल से काम कर रहे हैं, हम उनमें से कुछ साथी हैं। राष्ट्रीय किसान महासंघ के तहत बहुत से किसान लंबे वक्त से संघर्ष कर रहे हैं, उसके सदस्य भी यहां पे हैं। भारतीय किसान यूनियन के जितने बड़े घटक हैं उनमें से भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी, भारतीय किसान यूनियन राजेवाल के रिप्रेजेंटेटिव भी हमारे साथ हैं। मैं समझता हूं इससे बड़ी ऐतिहासिक एकता इस देश के किसान ने पिछले 50 साल से तो नहीं देखी होगी, 40 साल की तो मैं पक्की बात कह सकता हूं। और इस ऐतिहासिक एकता के तहत किसान एक ऐतिहासिक संघर्ष करने जा रहे हैं। जैसा आप जानते हैं, काफी समय से हम तमाम संगठनों ने मिलके दिल्ली चलो का कॉल दिया है। 26 नवंबर एक ऐतिहासिक दिन है,
26 नवंबर वो दिन है जब इस देश के संविधान पे दस्तखत हुए थे। लागू हुआ था 26 जनवरी को, लेकिन संविधान बनने का दिवस है 26 नवंबर। उस 26 नवंबर को संविधान दिवस पे देश के सारे किसान देश की राजधानी में पहुंच के अपने संवैधानिक अधिकार की मांग करें। तो ये जो आंदोलन शुरू हो रहा है दिल्ली चलो की कॉल है। कल भी अपनी गल हुई कि पंजाब अनाज बेचण 60% पार्टिसिपेट करता है, तो पंजाब का जिहड़ा अंदोलन है यह समझ लो कि जिन्ना दिल्ली दे विच लोग जाणगे उन्हां दा घट्टो घट 60% लोग पंजाब दे होणगे। एक तो यह गल स्पष्ट है। दूसरी गल है कि अगर सानू दिल्ली नहीं जान दिंदा सरकार ने रोकदी है, जिवें बाहरलियां स्टेटां तों जिहड़े साडे साथी है जिन्हां ने दस्सिया कि असीं उधरलियां 5 उड़ां रोकांगे, तां समझ लो कि जिहड़ियां पंजाब तों भी जिन्नियां सड़कां दिल्ली नूं जांदियां ਉਹ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮੇਨ ਆ ਚਾਹੇ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਔਰ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ 4-4 ਮਹੀਨੇ 5-5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਰੁਕਣ ਦੇ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੰਦੋ ਸਾਥੀਓ, आज हमारा ये जो देशभक्त के जो मकसद है आपके सामने हमारा नेतागण रखे हैं, मैं इसी के साथ एक कड़ी जोड़ना चाहूंगा कि ये जो आंदोलन है पूरे देश का किसान आंदोलन है, मगर एक सेक्शन एक प्रचार करने का कोशिश कर रहा है एक ही खेल पंजाब का आंदोलन है। ये बहुत सोच बूझ के ये प्रचार है कर रहा है, क्योंकि ये जब हम 9 अगस्त जब जेल भरो किया था करीब 50,000 जगह में 600 जिला में लोग शामिल हुआ, 1 करोड़ से ज्यादा किसान रखना है ये बात है, मगर ये सब आया नहीं, मीडिया में आता नहीं, लोग जानते नहीं, सोचता है कहां क्या हो रहा है। आज जो आंदोलन हो रहा है हम 2 हिस्सों में बांटा है। हिंदुस्तान बहुत बड़ा है और मोदी ने बोला था कोरोना को फायदा लेंगे, फायदा लेंगे हम कोरोना में, हम गरीब को घर में घुसा दिया किसान को, और वो काला कानून बना के देश को बर्बाद कर रहा है, देश को बेच रहा है, देश को किसान के साथ गद्दारी कर रहा है। हम किसान ये गद्दारी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं, हम रास्ता में आए, कानून मान के आए। मालूम है मोदी से हम सीखने नहीं आए बीमारी के साथ कैसे लड़ना है, जानते हैं किसान कैसा इसके साथ लड़ना है ये हमारा मालूम है। उसी नियम कानून मान के हम मोदी सरकार को देश विरोधी किसान विरोधी जन विरोधी गद्दारी के खिलाफ आवाज उठाया है, और ये आवाज हम 2 हिस्से में बांटा है। क्योंकि आपको मालूम किसान तो प्लेन में नहीं आ सकता, पूरा हिंदुस्तान गरीब है तो ट्रेन नहीं चल रहा है, एसी ट्रेन में आ नहीं सकता गरीब, तो इसलिए हम लोग तय किया है जो 5 राज्य दिल्ली के आसपास है, पंजाब हरियाणा उत्तर प्रदेश ए पार्ट ऑफ मध्य प्रदेश ए पार्ट ऑफ राजस्थान दिल्ली के आसपास है, इसी का जो किसान है सामने पंजाब है, पंजाब का आंदोलन को पूरा देश के किसान सलाम करते हैं। आंदोलन के एकता जगह में ऊंचा जगह में पहुंचाया है, मतलब सामने है मतलब पूरा देश उसको पीछे है। एक आंदोलन पूरा देश का किसान आंदोलन है, और वो 5 राज्यों दिल्ली कूच करेंगे जो हमारा नेता ने आपके बताया, मगर पूरा देश में भी आंदोलन हो रहा है। 26 जब हम लोग दिल्ली कूच करेंगे पूरे 19 राज्य है वहाँ ग्रामीण आंदोलन होगा, 9 राज्यों तो ग्रामीण हड़ताल होना, ग्राम में हड़ताल पूरा ग्राम पश्चिमी जी कुछ पूरा भी पंचायत ऐसी उस पंचायत के भी जा रहे हैं सर छोटू राम के जन्मदिन से उत्थे काफी जाट बरादरी इकट्ठी होएगी उन्होंने उससे अपील करा रहे तो यह गल नहीं कि जाट लगनी ने लग रहे ने पर जो 3-4 जिले है उन्होंने जिस हिसाब न होना चाहिए सी उस हिसाब न क्योंकि पिछले जाट अंदोलन तो डरे हुए ने या जाट अंदोलन धोखा खाए हुए ने मानो वो 19 स्पीड नाल नहीं उठ रहे पर हूँ जोड़ा है वो जग रहे हैं जिन्हें प्रोग्राम ने 5 दिनों से मेरे प्रोग्राम उस इलाके च टोटल जाट बैंक है फतियाबाद है हिसार है जींद है रोहतक है झज्जर है इन्हें जिले मेरे 5 दिन के प्रोग्राम बहुत चंगा रिस्पॉन्स मिल रहे हैं। अगे जो अंदोलन है बिल्कुल उठेगा
छत्ती बरादरी का मुल्क सारे लगने और किसानों के पीछे कोई भी खड़ा हो जाए, नरेंद्र मोदी भी खड़े हो जाए, क्या बात है, बगैर झंडे के, बगैर अपनी अपनी पार्टी अपने पार्टी के झंडे को छोड़ के जो फैसला किसान लेंगे, मार्च किसान लेंगे, सब करेंगे, मोदी जी भी आ जाए, क्या बात है। यादव जी परसों तुहाडा आर्टिकल सी कि तुसी कहा कि जिहड़े तीन बिल कानून आए ने सत्त ने किसानां वास्ते डर, जितों किसान डरदा उह सत्त तुसी फैक्ट्स दस्से ने। देश भारत एक खेती प्रधान सूबा है, एडा वड्डा वोट बैंक आ, ते सेंटर सरकार इस वोट बैंक तों क्यों नहीं डरदी? क्योंकि इस देश का किसान जब अपना हाथ उठाता है उसकी पांच उंगलियां पांच तरफ चली जाती है। पंजाब के किसान ने रास्ता दिखाया पांचों उंगलियों को बंद करने का, बाकियों को भी टाइम लगेगा। बाकी गुरनाथ सिंह जी ने बात सही कही है, वो फर्क भी है। दूसरा देखो, मैं भी हरियाणा से हूं, वो भी हरियाणा से है। पंजाब के किसान हमसे थोड़ा आगे है, 50 साल पहले भी उन्होंने हमसे थोड़ा आगे का रास्ते दिखाए। जो किसानों की यूनिटी, किसानों की स्ट्रगल की जो हिस्ट्री पंजाब में है, वैसी देश में नहीं है। और एक मेरा और अर्ज होगा, पंजाब में आज ये आंदोलन जिस ऊंचाई पे है, उस ऊंचाई पे 50-100 साल में एक बार कोई आंदोलन पहुंचता है, तो उससे आप दुनिया की चीजों को कंपेयर करने लगेंगे तो आपको पिछले 40 साल में कोई आंदोलन ही दिखाई नहीं देगा, और बाकी कोई स्टेट उसके मुकाबले में नहीं दिखाई देगा। उसको हम स्टैंडर्ड ना बनाए, पंजाब का जो इतना ऊंचा लेवल आजकल आ गया है। हकीकत यह है, मैं जिक्र करना चाहता था, जब 25 तारीख को 25 सितंबर को भारत बंद किया गया, सितंबर की बात कर रहा हूं, बिल पास होने के 5 दिन बाद, कर्नाटका में एक दिन नहीं 2 दिन के लिए पूरा कर्नाटका बंद हुआ था। तमिलनाडु में, जिसकी खबर यहां नहीं आती, 300 जगह पे तमिलनाडु में बंद ऑर्गेनाइज किया गया था। मैं जानबूझ के उन इलाकों का जिक्र कर रहा हूं जिसके बारे में हमारी इमेज है कि वहां तो कुछ हो ही नहीं रहा। त्रिपुरा में ज्यादा बताएंगे, त्रिपुरा के अंदर हुआ है आंदोलन, उड़ीसा के अंदर पूरी कमेटी बना के वो उसमें कर रहे हैं। और जो 26 तारीख का है उसके लिए आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना के किसान एक अपना जत्था लेके दिल्ली आ रहे हैं। अब देखिए, ना ट्रेन चल रही है, ना बस चल रही है, कोई कम, फिर भी उन किसानों ने बताया कि भाई दिल्ली ज्वाइन तो करना है, जितने भी हम ज्वाइन कर सके। तो ये राष्ट्रीय आंदोलन है क्योंकि पूरे देश के किसान पे मार है। और जब भी ऐसा कोई आंदोलन होता है, कोई इलाका, कोई हिस्सा थोड़ा आगे चलता है, दूसरे उससे प्रेरणा लेते हैं। पंजाब के किसानों ने आज पूरे देश के किसानों को रास्ता दिखाया है, ये कहने में मुझे कोई शर्म नहीं है, कोई हिचक नहीं है, उन्होंने रास्ता दिखाया है। लेकिन ये ज्योति सारे कोने कोने तक पहुंच के रहेगी।